चलिए तो शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना वो चाहते हैं कि आज हम कुछ ज़्यादा बेहतर सीख पाएं इन बड़े नेताओं के जन्मदिन. तो पहला सबसे पहले मैं आपको पीएम गॉड सर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर पीएम गॉड सर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अपने मुंह से वो बताएंगे नहीं कि उनकी कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जानें कि जिनको हम सुनेंगे उन्होंने पहले कितना कुछ अचीव कर रखा है. सर सलाहकार रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर मंगल सेन शोधपीठ में MDU रोहतक में. सर बहुत लंबी लिस्ट है, पहले सुन लीजिए, तालियां एक साथ बाद में बजा दीजिएगा. सर प्राचार्य रहे हैं DAV कॉलेज करनाल में. सर प्रोफेसर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में हिंदी विभाग में. सर संगठन के सलाहकार रहे हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद में. और सर निदेशक रहे हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के. सर ने कई साल सेवाएं दी और सर को राष्ट्रपति सम्मान, राज्यपाल अवार्ड, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड और संसद में अटल सम्मान, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड. ये इतनी लंबी लिस्ट है कि पढ़ते पढ़ते खत्म नहीं होगी. तो ये सारी सारी उपलब्धियां सर ने अपने छोटे से जीवन काल में हासिल कर ली हैं. मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे गुरुजी हुआ करते थे हिंदू कॉलेज में, वहाँ से हम लोगों को ये प्रेरणा है. सर आप प्लीज़ 10 मिनट तक अपने जीवन में जो है ना साहित्य का जो योगदान है आप उस पर जो है बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए प्लीज़. सर थैंक यू सर. उद्देश्य यही है कि हम जाने किताबों का क्या योगदान रहा PM गॉड सर को बनाने में, सुमन मंजरी मैम को बनाने में, किताबों ने क्या योगदान दिया और साहित्य किस तरह एक जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है, इस बारे में सर और मैम और बाकी जो वक्ता हैं ये हमें बताएंगे. बहुत ही सम्माननीय है डॉक्टर सुमन मंजरी जी, पूर्व IG पुलिस हरियाणा सरकार, यहाँ उपस्थित बहुत उत्कृष्ट समाज सेवी, मेरे बहुत प्रिय साथी मनोचा जी, पत्रकार मेरे विद्यार्थी हैं, दीक्षित जी हैं, भास्कर के हैं, ये मेरे विद्यार्थी सिसोदिया, सुभाष सिसोदिया नाम, मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थी रहे हैं, NSS के बेस्ट वॉलंटियर, वो कैंपों में जा जा करके जो है युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनते थे, आज सामने हैं. और भी हमारे माँ भारती रक्त वाहिनी के जो महासचिव हैं प्रेम गौतम, जिनका नाम रोजाना TV पर और इस पर आता रहता है अखबारों में, रक्तदान की दृष्टि से संयोगवश मैं भी उसका पैटर्न हूँ, और एक धुन है रक्तदान के क्षेत्र में काम करने की. इन्होंने कल 51 डोनेशन इन्होंने किया है पूरा, तो ये पर्यावरण की दृष्टि से साइकिलों से यात्रा करते हैं, कितनी दूर जाना पड़े साइकिल से यात्रा करते हैं. तो ऐसे मतलब जुझारू समाज सेवी बैठे हैं मेरे साथी बहुत, और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि सामाजिक जीवन में क्रांति लाने वाले परिमल मेरे विद्यार्थी हैं, परिमल कुमार हैं, इनकी श्रीमती हैं, मैंने देखा है इनको इस मंच से, मैं शायद चौथी बार बोल रहा हूँ, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मार्गदर्शक हूँ मैं, उसी का कबीर जयंती यहाँ पर मनाई गई थी. तो साहित्य के क्षेत्र में देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कोचिंग सेंटर को संचालन करता है, वो साहित्य के क्षेत्र में भी कितनी उपलब्धियां वो कर रहा है, कितना सम्मान करता है साहित्य का. उन्होंने कबीर जयंती का, विवेकानंद का जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पर रक्तदान शिविर लगा और उसमें 250 के करीबन रक्तदाता आप में से ही थे, उन्होंने रक्तदान किया और युवा दिवस बड़ा धूमधाम से मनाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए. और इससे पहले एक साहित्यकार सम्मान समारोह भी उन्होंने किया, हमारे ऐसे साहित्यकार जिनको
जैसे ऊंचे कोई चंडीगढ़ बुलाता है, कोई कहीं बुलाता है, इन्होंने स्थानीय जो साहित्यकार थे उनको सम्मान दिया, काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रुप बनाया और उनको जो है सम्मान देने के लिए बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया। और आज देखो ये और सुंदर एक कार्यक्रम है जो आमतौर पर साहित्यिक संस्थाएं, मैं तो साहित्य अकेडमी हरियाणा में रहा हूँ, हम भी ऐसा कार्यक्रम नहीं आयोजित कर सके जो सरकारी होते हुए, जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम 11 पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है और आपने ये सब कुछ इस श्रृंखला का संपादन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और पुस्तकों का चुनाव जो है वो भी बड़ा विलक्षण है, बहुत अद्भुत है, देशभक्तों का चुनाव किया है, भगत सिंह की पुस्तकें, भगत सिंह का जीवन चित्रण किया है, जो आप प्रेरणा लेंगे। उनका जीवन चरित्र के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि आज चंद्रशेखर के बारे में आपने बहुत अच्छा विस्तार से दोनों के बारे में बताया है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, बता दिया आपने। लेकिन इन्होंने प्रेमचंद जैसा जो लेखक, जो सामाजिक जीवन को जिसने समृद्ध किया, गरीब से लेकर के जो अंत तक जीने वाला कृषक है, गरीब है, जो वंचित है, ऐसे लोगों को साहित्य को आप लोगों के सामने लाने के लिए और ये पुस्तक का इन्होंने संकलन किया। और दूसरी पुस्तकें हैं, आप उनको देखोगे, पढ़ोगे तो प्रेरणा प्राप्त करोगे। ऐसी पुस्तकों का संपादन करना उनको केवल यहीं तक नहीं है, आप तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे विद्यार्थी तो पढ़े ही पढ़ेंगे, बल्कि जो है जो गांव में जा करके इन पुस्तकों का हम प्रसार प्रचार करेंगे, ताकि ग्रामीण लोग भी हमारी संस्कृति से, हमारी देशभक्ति से, हमारे लेखकों से, हमारे अनेकानेक क्षेत्रों में काम करने वाले महापुरुषों के बारे में जिनको जानकारी मिले। तो इन लोगों ने प्रचार प्रसार करने के लिए एक नया अभियान छेड़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रमों के लिए जो तत्पर रहते हैं। यदि ये खबर जाएगी चंडीगढ़ तो वो भी आश्चर्यचकित होंगे कि सोनीपत में इतनी इतनी किताबों का विमोचन हो रहा है, साहित्य अकेडमी में होता आमतौर पर। लेकिन संयोग से हम गुरु शिष्य हैं, उन्होंने मुझे ही बुला लिया कि आप हमारे लिए तो चंडीगढ़ हैं, सोनीपत हैं, हम सब एक हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस संस्था को, इस कोचिंग सेंटर को, जो केवल सोनीपत तक नहीं है, ये सारा जो है सारे भारतवर्ष के अंदर इसका नाम है। यहाँ पर दो दो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर आए हैं, इस कार्यक्रम को देखा है उन्होंने और बहुत प्रभावित होकर के गए हैं। एक वाइस चांसलर तो कहता मैं वहाँ दिल्ली में घूम रहा था, वहाँ पर जो है ICS सेंटर का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, मैंने सोचा कि ये बोर्ड जो है लगा हुआ है ये कहाँ पर है, देखना चाहिए। वो यहाँ पर आए तो उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि बधाई देता हूँ कि ऐसा बढ़िया सेंटर, और जो सबको रोजी रोटी का काम करता है, सरकारी नौकरी की देता है, और वहाँ पर ये ऐसा कार्यक्रम युवाओं का हो रहा है, विवेकानंद जयंती मनाई जा रही है, एक तरफ रक्तदान शिविर लग रहा है, इस प्रकार का कार्यक्रम कहीं होता नहीं है। नाम के लिए ये है बेशक से आपको को कोचिंग देते हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है और हमेशा वो वही बात करते हैं। और दूसरी मुझे बढ़िया लगा, क्या ये घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, किसकी सरकार है किसकी नहीं है, इसकी बिना परवाह किए, चाहे इन्हें जेल में जाना पड़ो, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ो, इनके मन में जो भाव पैदा हो गया ना, उस भाव को प्रकट किए बिना रहते नहीं है। वीडियो बनाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अखबारों में जाता है, देखे कौन आता है, कौन पकड़ता है तो ये खुली चुनौती देते हैं। तो ये भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी, लगता है उनका प्रभाव इन पर पड़ा हुआ है, इसलिए वो खुले तौर पर करते हैं। अच्छा, हम 10वीं पढ़ा करते थे तो मैं गांव से, महेंद्रगढ़ जिले से संबंध है मेरा, तो मेरे मन के अंदर एक भाव था कि कुछ बनना चाहिए, तो मैं स्वेट मार्डन की पुस्तक पढ़ता था।
आप लोगों ने नाम भी, क्योंकि आप सारे जो बैठे हुए ना विद्यार्थी, ये केवल विद्यार्थी नहीं है, आप बहुत सजग नागरिक हैं। आप लोगों ने सर्विसेज में जाना है, तरह तरह की आप पुस्तकें पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, तरह तरह के पुस्तकें पढ़ते हैं, तो आप एक सामान्य से विद्यार्थी नहीं हैं, आप विशेष विद्यार्थी हैं। आप लोगों को तो हर चीज़ का ज्ञान है। तो स्वेट मार्टिन की पुस्तकों में ऐसी ऐसी पुस्तकें थी जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, मैं पढ़ता था उनको। और मैं एक गरीब परिवार से रहते हुए भी मैंने निश्चय किया था कि मैं IAS बनूंगा, मैंने निश्चय किया था, परीक्षाएं भी दी, नहीं तो प्रोफेसर ज़रूर बनूंगा मैं, मुझे बड़ा चाव था। तो मैं, मेरा पिताजी भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो भाई एक कज़न मेरा मास्टर जी था, वो स्कूल से ले आ करके, मैं कहता मुझे महापुरुषों की जीवनियों की किताब मुझे ला के दो, तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने के बाद मेरे अंदर इतने भाव केरित होने लगे, घर वाले बोले हम पढ़ा नहीं सकते आपको। फिर मैंने कोई बात, मैट्रिक के बाद मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, जैसे आप करने जा रहे हो, और वहाँ रह करके मैंने सारी शिक्षा दीक्षा ली किताबों को पढ़ करके। किताबें सही साथी हैं। और आप मैडम बैठी हैं सुमन मंजरी जी, उन्होंने कॉमेंट मेरे पास लिख करके भेजा पुस्तकों के बारे में कि उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन पुस्तकें हैं, और उन पुस्तकों का आज विमोचन होने जा रहा है। तो इस प्रकार जो है, देखो धीरे धीरे, देखो कहाँ, पढ़ते पढ़ते PhD किया मैं, शोध कार्य में ज़्यादा विश्वास करता था, 26 PhD मेरे अंडर हो चुके हैं अभी। और साहित्य अकेडमी में रहते हुए मैंने, जैसे इनका ये विचार है ना पुस्तकों का, मैंने जितनी पुस्तकें वहाँ पर जमा पड़ी थी, ढेर पड़े थे, मैंने गाँव के अंदर जो प्राइमरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, वहाँ पर ग्रुप बना बना करके वहाँ पुस्तकों के निःशुल्क मैंने वो किताबें जो है पंचायत को भेजी कि आप ये गांव में बटाइए, महापुरुषों की साहित्य की पुस्तकें हैं, इनका वितरण कीजिए। तो शुरू से मन में भाव है कि साहित्य मन को परिष्कृत करता है, मन को समाज के प्रति जागृत करता है, राष्ट्रवाद की भावना देता है हमको। हमें एक छोटे छोटे व्यक्ति पर पहुँचने, हम पहुँचे नहीं, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से हम ज़रूर पहुँच जाते हैं। तो मेरा जो सामाजिक जीवन है उसको रूपांतरण करने का सबसे बड़ा काम साहित्य ने किया है, पुस्तकों ने किया है। आप भी यदि ये पुस्तकें पढ़ोगे ना, तो आप ये कहोगे कि मुझे तो बहुत अच्छा, मैं तो और पढ़ूंगा, लगन लग जाती है पढ़ने की। अब भगत सिंह की हमने पुस्तकें पढ़ी, आज चंद्रशेखर जी का जन्मदिन है, हम सभी ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। तो इन पुस्तकों के अंदर आपको बहुत पढ़ने के मिलेगा। तो हम भी ये कहते हैं कि दुनिया तरह तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, इन्होंने क्यों नहीं श्रृंगारी की और ऐसी वैसी पुस्तकों का विमोचन कराया। ये बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है। ये कहते हैं कि पुस्तक अच्छी होनी चाहिए जो व्यक्ति के अंदर भाव पैदा कर सके, उच्चता का भाव पैदा कर सके, श्रेष्ठ भाव पैदा कर सके। तो लिखने को दुनिया लिखती है, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है, लिखने पढ़ने को ही लेकिन हम नहीं कहानी कहते हैं। तलवार लेखनी के द्वारा शत्रु की छाती के ऊपर जो लिखी गई वो लहू से, हम उसे कहानी कहते हैं, हम उसे कहानी कहते हैं। तो ये जो है, 14 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था, अकेले थे माँ बाप की संतान, कोई है हिम्मत वाला अकेला लड़का हो और वो घर को छोड़ के 14 साल की उम्र में चला जाए। और जा करके वहाँ काशी जी में, भाई मैं कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा बहाना लेकर के, और वो क्रांतिकारियों से मिल गया जा करके, और वो जो है असहयोग आंदोलन में उसे अरेस्ट कर लिया गया। और जब उसे अरेस्ट किया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ, तो मजिस्ट्रेट बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो कह मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है, भारत माँ है। तुम्हारा जो है गांव कौन सा है, तुम्हारा गांव कौन सा, आवास कौन सा है, कहता जेल खाना। और वो मजिस्ट्रेट गुस्से में हो गया, क्रोध में आ गया, ये तो मजाक कर रहा है हमारे साथ। कहने का इसको जो है 15 उनको सजा दी, कोड़े उसकी सजा दी गई, उसकी सजा दी गई। जब वो कोड़े मारे जाते थे, अरे कोड़े के साथ
वंदे मातरम भारत माँ की जय, वंदे मातरम भारत माँ की जय, कहते तो पागल हो रहा है, इसको कितने मारते जाओ, ये तो छोड़ता ही नहीं है। और वो चिढ़ते थे इन दोनों नारों से। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो देश की आज़ादी का स्वप्न लिया था उसने कि मुझे कितना त्याग करना पड़े, मैं आज़ादी लेकर के रहूँगा, मुझे देश के प्रति मेरा वो सब कुछ है। तो क्रांतिकारी में भगत सिंह से मिले, बिस्मिल से मिले, सचिंद्रनाथ सान्याल से मिले, सभी से इनका ग्रुप बना और उन्होंने योजना बनाई। अभाव था धन का, ककोरी कांड का हुआ है, रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है कैसे चुराया गया था और उनको जो है ये सब कुछ हुआ था, ये सब बता दिया है आपको। तो एक मेरी घटना, इनकी घटना मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है समाज के अंदर, देशभक्त हो सकता है। वो रात्रि काल के अंदर छुपने के लिए एक वृद्धा माँ के घर चला गया और वहाँ जाकर के कहने लगा, माँ मुझे रात्रि का वो चाहिए, ठिकाना चाहिए मुझे। कहने बेटा ठीक है, मेरा बोले बोले चंद्रशेखर नाम है, नाम बड़ा पॉपुलर था, उन्होंने घर में रखा। उसकी एक बेटी थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि उसके पास पैसा नहीं था शादी करने के लिए, वो बेचारी अविवाहित रह रही थी। तो उसने कहा, माँ बड़ा सुंदर उपाय है, अब मौका है, मेरा नाम चंद्रशेखर है, ये चंद्रशेखर नाम लेकर के आप किसी पुलिस वाले को बता देना, मुझे अरेस्ट कर लेगा और मेरे पे जो है 5,000 का इनाम है। 5,000 उन दिनों बहुत होता था। तो 5,000 रुपये लेकर के इस बहन की, मेरी बहन की शादी कर दो, देखो कितना मतलब उसका था। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन की वो बताया है आपने। तो इन सब प्रकार के जीवन से मैं भी बहुत प्रभावित रहा हूँ। साहित्य का मैं निश्चित रूप से, मैं अध्यापक रहा हिंदू कॉलेज में, मैं प्राचार्य रहा और मैं अब भी जो है हिंदी का ही PhD करवा रहा हूँ अब भी वर्तमान काल में भी SRM यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैं प्रभावित रहा हूँ सामाजिक जीवन से, वो मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरे लिए सामाजिक जीवन समृद्ध है। माँ भारती से जुड़ा हुआ हूँ, मैं संजय जी बैठे हुए हैं मेरे सामने, ये देखो कैसे हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने अपनी धमक बनाई हुई है। मनोचा जी हैं और साथी हैं सामाजिक, ये हमारे बड़े पुरोधा हैं, बैठे हैं। तो ये सब इस जीवन से प्रभावित हूँ। तो मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ो जो लिखो उसको गुण भी करो, उसका राइटअप भी करो, उसको जो भाव आए उसको लिखो। सभी के मन में भाव हिलोरे उठती हैं, कोई घटना घटती है तो एक साहित्य लेखन की परंपरा आई है, आपके भाव उठेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं लिखूं, और आप उस समय लिखते नहीं हो कुछ भी। यदि उस समय किसी पुस्तक के किसी नोटबुक में आप लिखते जाओ, कविता का भाव हो, कोई कहानी का भाव हो, कोई नाटक का भाव हो, यदि उस समय आप उसी समय राइटअप कर लें तो रात्रि काल में पूरा चित्र आपके सामने आ जाता है कि मैंने आज ये कहानी लिखनी है, आज मैंने ये करना है। आप राइटर बन जाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएंगे। तो आप में वो संस्कार पनपेंगे जो ये संस्कार इन दोनों हैं। और वो तो जेल में बैठ कर के भगत सिंह की डायरी आप पढ़िए, आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस व्यक्ति का, एक जेल में रह करके लिख रहा है अनुभव अपने। तो ऐसे मतलब जो है देश को अपना जीवन अपना प्राण दिए, अपना हंसते हंसते फांसियाँ चूमी। तो वो आज की तरह से नहीं है, वैलेंटाइन डे के ऊपर गिफ्ट देते हैं प्रेमिकाओं को, महंगी महंगी देते हैं, वो जीवन नहीं दिया उन्होंने। उनका जीवन क्या था? मातृभूमि के लिए। देने को दुनिया देती है उपहार, देने को दुनिया देती है, लेने को दुनिया लेती है, लेने देने को ही लेकिन हम नई निशानी कहते हैं। बलिदान भाव से प्रेरित निज मातृभूमि की वेदी पर जो रख दे अपना शीश स्वयं, हम उसे निशानी कहते हैं, हम उसे निशानी कहते हैं। तो ये व्यक्ति हैं करने वाले। भाई मैं तो जीवन का जो है ना आदर्श इन्हीं पुरुषों को मानता हूँ, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम सबको मिलकर के अपने देश के लिए जो प्राधीनता की स्थिति में जिनका कुछ भी नहीं है, और जो हमारे युवाओं को किस तरह से मारपीट कर रहे थे, उनको कोड़े बरसाते थे, जेलों में डालते थे, फांसियाँ की सजा देते थे, क्या इनका जीवन हमको प्रेरित नहीं करता? आज इतने आराम से बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। ये पुस्तकें हैं ना, ये पुस्तकें केवल रखने के लिए नहीं है, ये पुस्तकें लाइब्रेरी की शोभा सामग्री नहीं है। इन पुस्तकों का स्वाध्याय करिए, अध्ययन करिए,
और उन जो जो अध्ययन करेंगे इन लोगों के अंतरतम तक आपकी दृष्टि जाएगी और आप प्रेरित होंगे, ओहो क्या जीवन जिया है उन्होंने। आप भूल जाएंगे ये सब आजकल के जो समाज के अंदर विकृतियां फैल रही है ना, बहन बहन है और उसके प्रति कैसी दृष्टि रहती है। समाज जो है एक बहन के प्रति सभी की बहन की जैसी दृष्टि थी, आज क्यों बदल रहा है सारा सब कुछ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने श्रेष्ठ लोगों के चरित्र पढ़ने छोड़ दिए, उनकी जीवन घटनाएं पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए हमारे अंदर ये कुभाव पैदा होते हैं, कुसंस्कार पैदा होते हैं। आप जब इन लोगों को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका मन भी उनकी जैसा ही पवित्र होगा, चरित्र निर्माण का भाव आएगा और एक श्रेष्ठतम नागरिक बनने का आपको सुअवसर मिलेगा। तो मैं इस शुभ आयोजन, बहुत श्रेष्ठतम आयोजन के लिए आईसी सेंटर के संचालक, यहाँ के चेयरमैन परिमल कुमार जी, श्रीमती जी बहुत ही मन प्रसन्न है और उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे साहित्यकार और समाज से ही बुलाए आमंत्रित ऐसे मौके के ऊपर, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। सब विद्यार्थियों को अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि जो है आप भी ऐसे ही भगत सिंह बनो, आप भी चंद्रशेखर बनो और ये भावना लेकर के और गांव गांव देहात में जहाँ रहते हो इन पुस्तकों को ले जाइए, इनका फैलाव कीजिए। अभी तो थोड़ा है, मुझे योजना का पता है सारा, ये गांव गांव में जाएंगी पुस्तकें, आपके बीच में जाएंगी, आपके परिवारों में जाएंगी, खूब इनका प्रसार प्रचार कीजिए, छोटे को सभी को पढ़ाइए। तो पुनः एक बार मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए मैं आईसी सेंटर का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और विशेषकर आप डॉक्टर सुमन मंजरी जी की उपस्थिति यहाँ देख करके मेरा मन बहुत हर्षित हुआ है, मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, क्योंकि हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। पीएचडी हमने साथ की है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, लोक साहित्य पर की है। इनके पिताजी ने मुझे हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर लगाया था, तो इनके पिताजी के प्रति और आपके प्रति तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।